यूपी नगर निगम चुनाव में बुलंदशहर में कांग्रेस की शेरनी की हुई धाकड़ जीत, भाजपा का हो गया पूरी तरह से सफाया, जश्न में डूबे कांग्रेस के कार्यकर्ता। जी हां, आपको बता चले कि नगर पालिका परिषद पासू जिला बुलंदशहर से कांग्रेस की नगर पालिका परिषद की चेयरमैन ताबिर अजमल छोटे बहन की जीत हो गई है, जिसके बाद कांग्रेस खेमा काफी ज्यादा खुश नजर आ रहा है। दरअसल आपकी जानकारी के लिए बताया चले कि आज कर्नाटक विधानसभा चुनाव के साथ साथ यूपी नगर निगम चुनाव का भी नतीजा सामने आया है, जिसमें कांग्रेस ने काफी अच्छा प्रदर्शन करते हुए कई सीटों पर अपना कब्जा जमा लिया। अब इसी बीच पहासू जिला के बुलंदशहर में कांग्रेस प्रत्याशी ताबिर अजमल की शानदार जीत हुई है। इसकी जानकारी खुद कांग्रेस नेता पूनम पंडित ने दी है। बताया चले कि कांग्रेस नेता पूनम पंडित को कांग्रेस की तरफ से यूपी में स्टार प्रचारक बनाया गया था। स्टार प्रचारक के तौर पर पूनम पंडित ने नगर पालिका परिषद ताबिर अजमल के लिए रोड शो और कई जनसभा को भी संबोधित किया था, जहां पर पूनम पंडित ने कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट मांगने का काम भी पूनम पंडित के द्वारा किया गया था, जिसका फल और नतीजा अब सबके सामने है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से जब यूपी नगर निगम चुनाव चल रहा था, तब पूनम पंडित के साथ साथ कांग्रेस उम्मीदवार ताबिर अजमल भी लगातार जनता के बीच में पहुंचकर वोट मांगने का काम कर रही थी। जब नतीजा सामने आया तो ताबिर अजमल को स्थानीय जनता ने चुन लिया, वहीं भाजपा को करारा झटका लगा है। फिलहाल इस खबर को देखकर आप क्या सोचते और समझते हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज डेस्क से हर्षराज की रिपोर्ट।